ये वाले नाचोस जो मैंने बनाए हैं, इसमें मैंने हल्दी डाला हुआ है 1 टीस्पून, जिससे इसका रंग एकदम से पीला रंग आया है। और यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, मगर मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है, तो इन दोनों में बस कलर का ही डिफरेंस है, वरना इसका जो क्रिस्पी वगैरह और टेस्ट सेम ही रहते हैं। तो ये किस तरह से बनाएंगे हम देखेंगे। आपको अगर कलर चाहिए पूरे बाजार में जैसे मिलता है रंग वाला, तो उसमें आप 1 टीस्पून हल्दी, यहाँ पर 1 कप मैं मक्के का आटा ले रही हूँ, 1 कप के हिसाब से 1/4 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 1 कप ले रही हूँ, तो इसके हिसाब से 1/4 कप हम गेहूं का आटा लेंगे। इसी में हम जीरा डालेंगे, मैं यहाँ पर 2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। नमक, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक नरम सा गोंद गोंद लेंगे। अब इसको मैंने नरम से गोंद लिया है, अब इसको 15 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसको और एक बार थोड़ा सा गोंद लेंगे। अब इसकी लोइयां बना लेंगे, थोड़े बड़े साइज के। यहाँ पर मेरे 3 बड़े बड़े लोइयां बने हुए हैं। थोड़ा सा चूना लेंगे और इसके बाद कोई भी एक लोई को लेकर इसको बेल लेंगे। इसको मैंने बेल लिया है, ये एकदम से रोटी की तरह पतला नहीं होगा, हल्का सा इसमें मोटा रहेगा। इस तरह से इसके साइड्स को पहले काट लेंगे और इसको आप बाकी जो लोइयां हैं उसके साथ ये साइड्स को मिलाकर ये लोइयों को बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको शेप कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा ना फूले, उसके लिए यहाँ पर मेरे पास फोर्क है, यहाँ पर हम इस तरह से छेद लगा देंगे। इस तरह से अब हम सारे पीसेस को इस तरह से काट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से छेद भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे बना दिए हैं और तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो से मीडियम आंच पर रखेंगे और एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। हमारे नाचोस यहाँ पर बन चुके हैं। इसको आप लो से मीडियम फ्लेम पर जब पकाए तब इसको
चलाते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से पक जाए, उसकी वजह से ये ज़्यादा क्रिस्प बनता है।